उज्जैन में हरसिद्धि माता के मंदिर में नवरात्र पर्व पर भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है। माता की आराधना का पर्व नवरात्रि गुरुवार से देश के साथ साथ उज्जैन में भी मनाया जा रहा है। माँ हरसिद्धि का मंदिर देश के 51 शक्ति पीठों में से है। शारदीय नवरात्रि के अंतर्गत पहले दिन मंदिर प्रांगण में कलश पूजन घट स्थापना प्रातः 10 बजे हुई। नवरात्रि के मौके पर माता हरसिद्धि के दरबार में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। हरसिद्धि माता मंदिर में छत पर श्री यंत्र बना हुआ है, इसका तांत्रिक महत्व भी बताया जाता है। इस स्थान के पीछे भगवती अन्नपूर्णा की सुंदर प्रतिमा है। तंत्र साधना के लिए भी माँ हरसिद्धि की आराधना की जाती है। यह आयोजक श्री हरसिद्धि भक्त मंडल एवं मंदिर प्रबंध समिति मिलकर कराती है। शास्त्रों में प्रचलित कथा के अनुसार माता सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। इसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। शिव को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर माता सती के अंग के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां माता सती के शरीर के टुकड़े गिरे, वहां वहां शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 2 घंटे का समय लगता है। इन जलते हुए दीप स्तंभों को देखने के लिए भी श्रद्धालु दूर दूर से उज्जैन पहुँचते हैं। दीपक में डालने के लिए तेल देने के लिए साल भर का इंतजार करते हैं। दीपमाला में तेल देने के लिए नवरात्रि के करीब 1 माह पहले ही पूरे 9 दिन की बुकिंग हो जाती है। आज से शारदीय नवरात्रि शक्ति महापर्व का आरंभ हुआ है। भगवती की अभी घट स्थापना यहाँ पर स्थापित हुई है माँ की, और जैसा कि शक्ति पीठ है, प्रमुख स्थल है माता देवी का यहाँ पर, और भक्तों का जो उत्साह है सुबह से ही पट, जब माँ के सुबह श्रृंगार पूजन हुआ है, अर्धरात्रि में माँ का अभिषेक हुआ है, इसके बाद में जब प्रातःकाल पट खुले हैं, तब से भक्तों का तांता लगा हुआ है और सब अपनी मन्नत को मनोकामना लेकर आते हैं भगवती के दरबार में। और जो भक्त जिस मनोकामना को लेकर आता है, माँ सभी की मनोकामना पूरी करती है। दीप स्तंभ राजा विक्रमादित्य के समय काल के हैं। राजा विक्रमादित्य जब थे भगवती के आराधक थे, इनके उपासक थे और माँ के परम भक्त थे, उन्हीं के समय की है। जब वो थे तब वो माँ के सामने यहाँ पर बैठ के दीप राग गाते थे, उस समय दीप अपने आप प्रज्वलित होते थे। अब वर्तमान में भक्त लोग की जब मनोकामना पूर्ण होती है तब दीपक यहाँ पर आके वो अपने प्रज्वलित करवाते हैं। जैसा राजा विक्रमादित्य सम्राट, वो चक्रवर्ती सम्राट हुए थे माता हरसिद्धि के आशीर्वाद से, और नित्य माँ को उनकी सेवा अर्पण करते थे। लेकिन गुजरात में उनका राज्य पूरा चहुं ओर फैला हुआ था, गुजरात में होने के कारण कई बार वो भगवती को अर्पण नहीं कर पाते थे। माँ को वो यहाँ से वहाँ ले गए थे कितनी बार। अब माँ जब वहाँ रहती थी तो उन्होंने वहाँ पर जो मुख्य आरती है प्रातः काल की। उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।